आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान खरीदी पर मिलेगा 182 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। झारखंड सरकार ने की किसानों की आमदनी बढ़ाने की पहल। गाय के गोबर से दियो का निर्माण कर रही आदिवासी महिलाएं। चाइनीज दियो के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं गोबर के दिए। 2 ट्रॉली पराली के बदले पाएं 1 ट्रॉली गोबर खाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की अनूठी पहल। केंद्र सरकार द्वारा हर साल रबी और खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, जिसके आधार पर ही सरकार द्वारा फसलों की खरीद की जाती है। इस साल केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1668 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि वहीं ग्रेड ए धान का MSP 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अब ऐसे में झारखंड के किसानों को फायदा देने के लिए राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत किसानों से धान खरीदने के साथ उन्हें 182 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद झारखंड के किसानों को धान की उपज के लिए 2050 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2070 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने राज्य के रजिस्टर्ड किसानों की संख्या और प्रखंड से दूरी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े और किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सके। दीपावली नजदीक है और लोगों के घरों में साफ सफाई और सजावट जैसे काम भी शुरू हो चुके हैं, तो वहीं लोकल को वोकल करने की राह पर चलते हुए कई देशवासियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें राजस्थान के जयपुर और छत्तीसगढ़ की रायपुर की महिलाएं सबसे आगे हैं। जहाँ एक तरफ राजस्थान के जयपुर जिले में पिंजरा पोल गौशाला में स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं मिलकर एक दिन में गोबर के 5000 दिए बना रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की आदिवासी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। गोबर का सदुपयोग करके इन महिलाओं ने दिए बनाकर न सिर्फ रोजगार कमाया है, बल्कि चाइना के बने दियो को भी मात दी है। लोगों के बीच भी गोबर से बने इन दियो की डिमांड काफी बढ़ गई है। इन महिलाओं की माने तो गोबर से बने ये दिए चाइना के दियो से काफी मजबूत है, जबकि इनकी खास बात यह है कि आप इन्हें दिवाली पर जलाने के बाद घर के गमलों और पौधों में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। सिर्फ दिए ही नहीं बल्कि ये ग्रामीण महिलाएं गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां समेत कई चीजें बना रही हैं। ऐसे में इन्होंने गोबर को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का सहारा बना लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना के तहत भी महिलाओं की मदद की है, जिसकी वजह से गांव ग्रामीणों और महिलाओं को रोजगार के साथ साथ अच्छी आय मिलने लगी है। इससे न सिर्फ दिए बनाने वाली महिलाओं को बल्कि गौपालकों को भी फायदा मिल रहा है। पराली जलाने को लेकर हर दिन जगह जगह से कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 जिलों के किसानों से करीब 5000 क्विंटल पराली ली है। प्रशासन ने किसानों को 2 ट्रॉली पराली के बदले 1 ट्रॉली गोबर खाद निशुल्क दिया है, तो वहीं कानपुर देहात में 3000 क्विंटल और उन्नाव में 1675 क्विंटल से ज्यादा पराली किसानों से ली गई है। उन्नाव के DM रविंद्र कुमार के अनुसार यहां 125 गौशालाएं हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद उपलब्ध है। ऐसे में प्रशासन 2 ट्रॉली पराली देने पर 1 ट्रॉली गोबर की खाद निःशुल्क दे रही है। इसके चलते पराली की समस्या को देखते हुए प्रशासन किसानों को ग्रामीण स्तर पर जागरूक भी कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रिय किसान भाइयों, आपका प्रकृति और पर्यावरण से अभिन्न संबंध है। पराली का जलना प्रकृति और पर्यावरण हम सबके लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी के साथ उन्होंने किसानों को पराली न जलाने को लेकर भी प्रण दिलाया था। तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।